मुख्यमंत्री मनोहर लाल की जन आशीर्वाद यात्रा 10वें दिन सोहना से शुरू होकर पटौदी रेवाड़ी होते हुए बावल पहुंची। जन आशीर्वाद यात्रा का फूल बरसाकर लोगों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लोगों का अभिवादन किया और जनता को सरकार की उपलब्धियों और योजनाओं के बारे में बताया। विकास के कितने ही काम कराए, पिछले काम गिनाएंगे तो पूरी लंबी लिस्ट है। आज ही 10 परियोजनाएं जो लगभग 160 करोड़ रुपए की हैं, जिनका शिलान्यास और उद्घाटन आज किया है। जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान बावल में सीएम मनोहर लाल ने करीब 160 करोड़ रुपयों की 10 परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हमने पारदर्शी सरकार चलाई है, जो कहेंगे वही करेंगे और जो किया है वही बताएंगे। पारदर्शी सरकार चलाई कि जो कहेंगे वही करेंगे और जो किया है वही बताएंगे, फालतू बढ़ चढ़ के बात नहीं करेंगे। सीएम मनोहर लाल की जन आशीर्वाद यात्रा हरियाणा के लगभग सभी विधानसभा होते हुए रोहतक में 8 सितंबर को खत्म होगी, जिसमें पीएम मोदी भी शामिल होंगे और रैली को संबोधित भी करेंगे। R9 TV के लिए हरियाणा से ब्यूरो रिपोर्ट।